हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजलि, और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो मेरी फैमिली जो अभी रिसेंटली बनी है यूट्यूब पे, तो वो सारी फ्रेंड फैमिली मेरे को मैसेजेस कर रहे थे, बहुत मैसेज आ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पा रही थी, लेकिन मैं फिर से आ गई हूँ। आई एम बैक, और मैं उसी एनर्जी के साथ आई हूँ। और मेरे पास आज के वीडियो में बता दूँ मैं आपको कि हमारे पास एक नई रेसिपी है जिसमें हम बच्चों को खुश कर सकते हैं अपने घर में। सभी के घरों में बच्चे होते हैं, तो उनको खुश करना बहुत मुश्किल है। और ये कोविड का दौर चल रहा है जिसमें बच्चे बाहर खाना खा नहीं सकते, तो हमको घर पर ही कुछ नया नया ट्राई करके बच्चों को देना पड़ता है। और आप सभी को पता है, जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मेरे यहाँ छोटू जज है जो हमारी चीज़ों को टेस्ट करके बताता है कि वो कैसा बना है, और वो हमें मार्किंग करता है। तो और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। और जो पहले से जुड़े हैं तो उनको सभी पता है कि मेरे यहाँ छोटू जज हैं, उनको हम नई नई चीज़ें बनाकर ट्राई करके उनको सर्व करते हैं ताकि वो खुश रहें, और आप भी अपने घर में ऐसी तरह से नई नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ देख के। तो आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन सैंडविच तो सभी बना लेते हैं, पर मेरे जो सैंडविच बनाने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। मैं दो तरह से सैंडविच बना रही हूँ, जो नॉर्मल सभी के घरों में बनता है, और एक मैं सैंडविच ऐसा बना रही हूँ जो थोड़ा अलग है। उसको आप बना के बच्चों को सर्व कीजिए, और सच मानिए कि आपके बच्चे उस पुराने जो सैंडविच आप बनाते थे उसको खाना भूल जाएंगे, आपको यही बोलेंगे कि यही खाना है हमको। तो अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें किस तरह से मैंने सैंडविच बनाया। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मेरा वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, ये है दही, इसको मैंने दही को ले लिया है। अब मैं इसको मैश कर लूँगी, इस तरह से मतलब मिक्स कर लूँगी इसको। और इसमें मैंने ये कटोरी सूजी है रवा, इसको मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह से, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और मैं इसको ही मतलब इसमें ही डालकर अच्छे से फेंट लेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है ना अभी, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ कर लेंगे। और इसे फिर 15 मिनट के लिए या फिर 30 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी। अब आप देख सकते हैं जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी लूज़ हो गया है, ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। इसको हम अभी ऐसे ही रखेंगे, इसमें हम वेजीज भी डालेंगे, तो इसके लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए फ़िलहाल तो रेस्ट करने के लिए रख देंगे, फिर आगे का अपडेट बताते हैं। इसमें हमने नमक डाल दिया, क्योंकि नमक हमने वेजीज डालने से पहले इसलिए डाल दिया क्योंकि नमक डालने के बाद जो हमारा बैटर है वो थोड़ा लूज़ हो जाएगा, इसलिए हमने नमक डाल के इसको छोड़ देंगे 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमारा 30 से 1 आवर हो गया है, 30 मिनट से 1 आवर हो गया है, मैंने थोड़ा लेट कर लिया। और ये जो हमारी स्टफिंग है वो भी तैयार है। और जो मैं दो तरह से सैंडविच बनाने वाली हूँ, एक सूजी से और एक बॉयल पटेटो से। तो आप ये देख सकते हैं इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा प्याज ऐड करूँगी। ये देखिए, इसमें मैंने ये एक बड़ा प्याज था वो मैंने काट के रखा था, इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और मैंने टमेटोज भी काट के चॉप करके रखे थे, वो भी मैंने पतले पतले चॉप किए थे, तो मैं इसमें इसको भी ऐड कर दूँगी। इसमें पहले से ही मैंने नमक डालकर रखा हुआ था, अब मैं इसको इस तरह से मिला लूँगी। मुझे ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना है, इसको गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि हम इसको उस पर ब्रेड पे लगाने वाले हैं, तो इसलिए मुझे इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। इसको मैं हल्का सा इसी कंसिस्टेंसी में रखूँगी। और हम इसमें अब थोड़ा थोड़ा मसाले भी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें गरम धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये लाल मिर्ची डाल दिए, तो मैं इस तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैंने ये मसाले थोड़े उस मिक्सचर के हिसाब से ही लिए हैं, आधा आधा चम्मच ही लिया है, क्योंकि मिक्सचर मेरा थोड़ा ही है, हम थोड़ा ही बनाने वाले हैं। तो ये मिक्सचर आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, बस इसको ही अब हमें जो हमारी ब्रेड होगी उसके ऊपर अप्लाई करना है,
जैसे कि हम घी वगैरह अप्लाई करते हैं उसी तरह से। ये देखिए अब फुल हो चुका है इस तरह से, और ये हमारा स्टफिंग ये भी तैयार हो चुकी है। बस अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो पेस्ट बनाया था, इधर दिखाइए, पेस्ट बनाया था तो ये हमने तैयार कर लिया था। अब हम इसको इस पर इस तरह से लगा लेंगे, अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे इसको। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फैल गया है, और ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। और हमने दूसरी तरफ एक तवे को गर्म कर रखा था, अब उसमें मैंने थोड़ा सा घी या घी डाला था मैंने इसमें, आप देख सकते हैं उसमें घी लगा हुआ है। मैं इसको इस तरह से रख दूंगी इस पर थोड़ी देर के लिए। इसको हम ढक भी देंगे क्योंकि जो सूजी है वो थोड़ी देर के लिए वैसे हो जाएगी, पक जाएगी इसके साथ। तो हम इस तरह से इसको ढक के रख देंगे, फिर सिर्फ एक मिनट बाद हम इसको खोल के इसको पलट के रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आधा मिनट हो गया है हमको, ये देखिए अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा चारों तरफ इसके घी डाल देंगे, क्योंकि हम ब्रेड का कोई भी सामान बनाते हैं तो हम उसमें ऑयल या कोई भी वैसी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, उसका टेस्ट बहुत ख़राब आता है। मैं ऑयल प्रीफर नहीं करूँगी आपको, अगर आप कोई भी ब्रेड का सामान बना रहे हैं तो उसमें घी ही यूज़ करें, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें हम इस तरह से थोड़ा सा घी और लगा लेंगे, ये आगे से भी अच्छे से हो जाएगा, वो कच्चा कच्चा नहीं दिखेगा। तो हम इसकी फ्लेम को भी थोड़ा हाई कर देंगे और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये बहुत जल्दी बनने वाली डिशेज़ है जो हम बहुत जल्दी और बच्चों को बहुत पसंद भी आती है, घर पे बना के खिला सकते हैं। तो अब हम इसे पलट रहे हैं, तो देख सकते हैं आप पलट के ऐसा हो गया है, अच्छा दिख रहा है, ये सीख चुका है अच्छे से। थोड़ा सा और हम इसको सेक लेंगे, ये देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है इसका। इसी तरह से हम इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे काट के या किसी भी आकार में इसको दे सकते हैं, इसको आकार दे सकते हैं। और अब हम इसे इसी तरह से सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है ऑयल गरम। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरा डाल के देखेंगे, ये देखिए हो गया जीरा। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब इसमें हमने जो ये चॉप करके ये देखिए ऑनियन रखा था, मैंने दो ऑनियन लिए हैं इसके छोटे छोटे। अब मैं इसमें इसको डाल दूंगी, थोड़ा सा ऑनियन मैं बचा लूंगी क्योंकि मुझे ऑनियन थोड़ा कच्चा भी पसंद है, तो मैं इसको थोड़ा कच्चा ऊपर से भी डालूंगी। ये देखिए अब मैं इसको जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक इसको फ्राई करूँगी। और यहाँ देखिए मैंने ये थोड़ा बड़ा बड़ा चॉप करके टमाटर भी रखा था, ये मेरे टमाटर भी दो हैं छोटे छोटे, तो इनको भी मैंने चॉप करके रख लिया था। अब हम इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑयल आलू भी मैंने उबाल के रखे हुए थे, और ये आलू मेरे आप देख सकते हो 6 से 7-8 आलू हैं मेरे, इनको मैंने उबाल के रखा हुआ है, बॉईल करके रखा हुआ था। अब इनको मैं मैश कर लूँगी, और मैश करने के बाद इसमें डाल दूँगी, जब ये इसमें मसाला वगैरह ऐड हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी अनियन है वो हो गई है, मतलब फ्राई हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे थोड़ा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। ये देखिए मैंने हल्दी डाल दी है आधा चम्मच, इसमें मिर्ची भी डाल दी है मैंने आधा चम्मच, गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है आधा चम्मच, और ये जो धनिया पाउडर है वो मैंने डाल दिया है 1.5 चम्मच। अब हम इसको फ्राई और कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे टमाटर है वो मैश हो गए हैं अच्छे से, और मिक्स भी हो गए हैं, और जो हमारा मसाला है वो भी भुन गया है। देखिए ऑयल छोड़ दिया है उसने मसाले में। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ये पटेटो, बॉइल्ड पटेटो। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो स्टफिंग है वो तैयार कर ली है, इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी
क्योंकि हमें स्टफिंग सैंडविच बनाने के लिए बनानी है, क्योंकि अगर हम उसको सूखा सूखा रखेंगे तो वो सैंडविच चिपकेंगे नहीं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा उसको गीला करना पड़ेगा। तो आप इसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए, उसमें पानी डालकर, देख सकते हैं आप इतना पानी यूज़ कीजिए, ताकि ये थोड़ा सा हमको इसको उबालना भी पड़ेगा तो वो पानी वैसे ही सूखने लगेगा, तो हम इसको उबाल के सुखा भी देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने प्याज जो बचा रख के रखी थी, वो मैं प्याज पूरा इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया इसको काट के डाल दूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा तैयार हो गया है स्टफिंग पूरी तरह से। अब हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे इस तरह से। अगर आप इससे मैश नहीं कर सक पा रहे हो तो आप इससे भी मैश कर सकते हो, जो पाव भाजी में ऐसा होता है उससे भी मैश कर सकते हो आप। और इस तरह से उसको मैश अच्छे से कर लेंगे तो जो उसमें मोटे मोटे आलू दिख रहे हैं वो भी मैश हो जाएंगे। और जो स्टफिंग है वो हमारी बहुत स्मूथ और अच्छी पेस्ट बन जाएगा उसका, तो आप देख सकते हैं। इसमें अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नींबू काट के, और अगर आपको वेजीज और ऐड करनी है तो आप और वेजीज ऐड कर सकते हैं, मेरे पास इतनी ही थी तो मैंने यही वेजीज डाल के बना लिया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया है, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और ये स्टफिंग तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा था, सब्जी बना के रखी थी स्टफिंग के लिए सैंडविच में, ये मैं इस तरह से इसको लगा लूँगी, इस तरह से चारों तरफ इसको फैला लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, चीज़ को ऊपर से भी स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर चीज़ को इसके अंदर भी घिस के डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मैंने तो सिंपल बनाया क्योंकि मेरे बच्चों को सिंपल पसंद है। देख सकते हैं आप कितना कलरफुल दिख रहा है। और इसके ऊपर दूसरी बेड लगा के हम इस तरह से रख देंगे, और हमारा ये जो टोस्टर है इसमें हम डाल देंगे इसको। मैंने गैस अभी ऑन नहीं किया है क्योंकि गैस, ये जो टोस्टर है मेरा वो बहुत हल्का है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो मेरे जो सैंडविच हैं वो जलने का डर है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं ऑन करूँगी गैस को। इसके ऊपर मैंने घी लगा लिया था, ये देखिए घी लगा लिया। अब मैं इसको इस तरह से पलट के रख दूँगी। ये ब्रेड थोड़ी बड़ी है पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें से जो एक्स्ट्रा ब्रेड निकलेगी वो मैं उसको निकाल के अलग रख दूँगी। और इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से घी स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी, जो एक्स्ट्रा ब्रेड है वो मैं इस तरह से निकाल दूंगी, और फ्लेम ऑन करके इसको रख दूंगी। फ्लेम को मुझे लो ही रखना है, बहुत हाई नहीं रखना। तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, सिर्फ आधे मिनट से भी कम टाइम में ये पक जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा, हमने इसको बंद कर दिया है, इसको बोलते हैं टोस्टर। अब हमने इसको बंद करके थोड़ी एक या दो मिनट के लिए रखेंगे, और बीच में हम देखते भी रहेंगे कि जो हमारा ब्रेड है वो सिक गया। देखिए यहाँ से वो सिक गया है। अब हम इसको पलट के एक बार और बंद करके रख देंगे, फिर देखते हैं। पीछे भी वो ज़्यादा देर नहीं लगती इसको बनाने में, तो पीछे भी वो एक मिनट भी नहीं लगती, आधा मिनट में वो तैयार हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, उसे जलाना नहीं है, वो जल जाएगा तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा इसका। तो हम इसको थोड़ी देर बाद खोलकर देख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से भी सिक गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से भी सिक गया। थोड़ा सा बाकी है, इसको हम ऊपर से ले लेंगे क्योंकि बीच में इसमें फ्लेम जो है वो आ नहीं पा रही है, इसलिए हम इसे ऊपर थोड़ा सा करके उसको भी सेक लेंगे अच्छे से, फिर पलट के देख लेंगे। देखिए ये अच्छे से हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से हो गया है। इसको हम अगर
चाहे तो कट भी कर सकते हो और ऐसे भी डायरेक्ट भी सर्व कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सैंडविच जो है वो तैयार है, अब इसे खाएंगे हमारे छोटे जज। चलिए जज, टेस्ट करके बताइए कि आप हमें क्या पॉइंट देंगे। गरम होगा? हाँ, तो फिर खा के दिखाओ कैसा लग रहा है। वाओ, टेस्टी है। 10 में से 10। वाओ, और सर्विंग कैसी लगी आपको? सर्विस हमारी डेकोरेशन में क्या दोगे आप? 9। ओके, ठीक है, 9 ही सही है। और कुछ, और कुछ कहना है? बस अब खाना है बस। चलो ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे सूजी रवा वाले सैंडविच, जिसमें मैंने वेजीज भी डाली हैं। ये बच्चे वेजीज नहीं खाते हैं, इसको वेजीज खिलाने का एक आसान और अच्छा तरीका है बच्चों को वेजीज खिलाने का। अब हमारे छोटे जज इसको टेस्ट करके बताएंगे कि हमें वो क्या पॉइंट देने वाले हैं। चलिए जज, उठा लो। हाँ, मैं खिलाऊँ? कैसा लगा? ठीक है, ठीक है लगा। खाने में 10.10। वाओ, 10/10। और डेकोरेशन में? डेकोरेशन में 9.9 पॉइंट। जज बहुत बहुत ज़्यादा कट टू कट जजिंग करते हैं, पॉइंट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं मुझे। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि कैसे मैं इनको रिझाऊँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा जज जी, ओ छोटे जज जी, मेरे लिए थोड़ा सा बोल दीजिए कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए मेरे को खाने दो।